अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में यूपी कैडेट की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, इसी के परिणाम को घोषित करने के लिए आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मेरठ पहुंचे। मेरे कार्यकाल का ये 5वां यूपी कैडेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एडमिशन टेस्ट जो होते हैं हमारे 4 विश्वविद्यालय हैं, तो ये 5वें साल सत्र इस साल के नए सत्र के लिए जो है ये प्रवेश परीक्षा हुई है। आज जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। 2759 सीटों के लिए जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, जो अपने 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किए थे 2017 में, उसमें हमने ये तय किया था कि हम अपने महाविद्यालयों को अपने यूनिवर्सिटीज को एक्रीडेशन कराएंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे चारों विश्वविद्यालय के कुछ न कुछ कॉलेज एक्रीडेशन के भीतर हैं, और मुझे लगता है कि 13 या 14 हमारे महाविद्यालय एक्रीडेटेड हैं, और इसमें आपका मेरठ विश्वविद्यालय के भीतर भी कृषि संकाय एक्रीडेटेड है। आपके विश्वविद्यालय में 2 हैं और नरेंद्र देव के भीतर 3 हैं और सीएसए के भीतर भी 3 हैं। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे ये 4 विश्वविद्यालय हैं उनके भीतर विद्यार्थियों का रुझान भी बढ़ा है, और विगत वर्षों में हमारा छात्रों की संख्या भी इन विश्वविद्यालयों की बढ़ी है, और मैं समझता हूँ कि लगभग 1000 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों को मिला करके जब हम आए थे उस समय से और आज के समय में जब नए हमारे क्लासेस शुरू हो गए, तो उसकी वजह से 1000 से ज्यादा विद्यार्थी आज कृषि शिक्षा के भीतर उत्तर प्रदेश के भीतर अध्ययन कर रहे हैं। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। जब हम आए थे मार्च 2017 में तो 10,661 करोड़ रुपया अखिलेश यादव जी पिछले 3 साल का बकाया छोड़ करके गए थे, हमारा नहीं था। वो जो आज गुमराह करने का काम कर रहे हैं उन लोगों के निकम्मेपन की वजह से, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों को औने पौने कीमतों पर बेचा, जिन लोगों ने मिल मालिकों से मिल करके किसानों के दाम का भुगतान समय से नहीं होने दिया, जिन लोगों ने 280 रुपए प्रति कुंतल गन्ने का दाम तय किया और जिन लोगों ने उसका भुगतान मात्र 240 रुपए कुंतल के हिसाब से किया, और 240 कुंतल को भी 1 कुंतल का दाम 3 बार में जिन्होंने भुगतान किया 3 किस्तों के भीतर जो किया, वह लोग उत्तर प्रदेश के किसानों के आर्थिक गरीबी का वो जिम्मेदार रहे हैं, और उनकी वजह से उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो गरीब और कमजोर हुआ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज मेरठ पहुंचे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में एक सभा में यूपी कैडेट का रिजल्ट जारी किया। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो किसानों की आज आर्थिक हालात खराब है उसकी जिम्मेदार पुरानी विपक्ष की सरकारें हैं थीं। उन्होंने तीनों कृषि कानून को किसान के हित में बताते हुए तथाकथित किसान नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी।